आज हम पंजाब के फरीदकोट पहुंचे हैं और फरीदकोट अगर सीट की बात करें तो यहां मुकाबला हमेशा दिलचस्प भी देखने को मिला है, क्योंकि यहां किसी भी पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा। यही वजह है कि यहां हर बार विधायक बदलते हैं। आज हम फरीदकोट पहुंचे हुए हैं और यहां की अगर बात करें इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो अगर फरीदकोट लोकसभा की बात करें तो 9 विधानसभा सीटें लगती हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो कांग्रेस के पास है और 3 आम आदमी पार्टी के पास हैं। हम जिस सीट पर हैं ये फरीदकोट की सीट है और यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं जो जीत कर आए थे, कुशलदीप सिंह कक्की जो है वो यहाँ से जीत के आए थे। इस बार जो मुकाबला है काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल इस बार बीएसपी के साथ गठबंधन में है और कांग्रेस से कैप्टन बाहर है। तो क्या होगा इस सीट का समीकरण और कैसे देखते हैं लोग, जानने की कोशिश करेंगे। हम खुद फरीदकोट की जनता से इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले चुनावी माहौल क्या है फरीदकोट का? अच्छा चल रहा है, चुनावी माहौल जोड़ा है, लोगों के गहमा गहमी है, लोग गल सुनते हैं हर पार्टी की, पर लोगों के मन की जी आवाज़ है अंदरली वो किसी को बता नहीं रहे। अच्छा, मन की बात नहीं बता रहे? मन की बात नहीं बता रहे। अच्छा, कोई भी आदमी है वो अपने अंदर ही छुपाई रखा है। अच्छा सर, इस सीट की बात करें तो हर बार यही देखने को मिलता है कि हर बार विधायक बदल जाता है, क्या वजह, क्यों बार बार आप लोग विधायक क्यों बदलते हैं? यहाँ पर किसी भी विधायक को दो बार मौका नहीं दिया? कोई ये तो लोगों की जागृति है, लोग ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा काम करने वाला मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई सामने आया नहीं है जो लोगों की किसी तरीके नाल कोई इच्छाओं पर पूरा खरा उतर सके। अच्छा, पिछली बार हमने देखा था कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे कुशलदीप कक्की वो जीत कर आए थे यहाँ से, क्या उन्होंने इस पूरे 4 साल में जो आपकी उम्मीदें थी उस पर खरे उतरे हैं? बिल्कुल उतरे हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारा, खास करके ये जो नाला है जिसको बोल गंदा नाला कहते थे, वो कभी किसी ने लारे लगाए थे पर पूर्ति नहीं की थी, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है तो लोग उनसे खुश है। अच्छा, गांव वाले भी खुश हैं, उनसे बड़ा काम किया उन्होंने उधर से। फिलहाल क्या लगता क्या है कि इस पूरे हलके का मूड क्या है, किस तरफ हवा बह रही है? हवा तो ऐसे है ना सर, चल रही है, अभी चल रहा है, पर लोगों की जैसी दिल में अंदर भावना है वो आज नवी सरकार देखना चाहते हैं। अच्छा, नई सर क्यों, नई सरकार क्यों देखना चाहते हैं? सर जिन्होंने सरकारों ने क्या क्या नहीं किया, मतलब कोई सीधा काम लगा लो या कैसे भी है, तो जनता के आजकल ध्यान में यही आ रहा है कि हम नवी सरकार का चेहरा देखें कि अच्छे काम करेगी, तो एक मौका आप वालों को भी देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को आप मौका देना चाहते हैं। क्या चीज़ें देख रहे हैं आपकी, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार आएगी तो ये चीज़ें सही होंगी? सर दिल्ली में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो यहाँ भी क्यों नहीं करेंगे, एक ईमानदार पार्टी है, दिल से काम करती है और सबकी समस्या भी सुनती है। क्या करते क्या आप? सर मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, लोहे का। अच्छा, वह तो सर आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, वह जिससे ही पूछते हैं वो यही कहता है कि आम आदमी पार्टी को ही वोट डालेंगे। क्यों, लेकिन क्यों, वजह क्या है, कुछ तो देखते होंगे ना, क्योंकि कांग्रेस ने भी काम किया है, 4 साल 5 साल सरकार रही है। एक मेरे उसने नशे की शौक आई थी, मैं नशा बंद करूंगा सर, आम चल रहा है नशा, आम महंगा हो गया है, नशा सस्ता नहीं होगा। अच्छा, अभी यहाँ जाएगा यहाँ दवाई मिलती है, लाइन लगी हुई है वहाँ पे गोलियों वालों। अच्छा, जो नशा छोड़ते हैं ना उनकी लाइन लगी हुई है वहाँ पे, नशा फिर भी नहीं खत्म हो रहा। तो क्या नशा ही बहुत ज्यादा नशा। अच्छा, बिल्कुल। क्या लगता है कि नई सरकार आएगी तो नशे को खत्म करेगी? शायद सर कोई बदला, हाँ नई सरकार आएगी कोई बदला होगा सर, चांस है सर। अच्छा, आएगी सरकार, पैसों के बिना कोई काम नहीं होता, क्या ऐसा है? नहीं, ठीक है जी, बस एक गल बात सही है जी, ये है सही है, बात काम करते है सरकार, कई मगर मगर फिर पैसा लेके काम कर देते, बस करप्शन करप्शन मुद्दा है यहाँ पे, बिना पैसों का कोई काम नहीं होता, नहीं होता जी। अच्छा, कई हो भी जाते जी, उस गलत नहीं कोई, फिर कैसे ठीक होगा, किसकी उम्मीद कर रहे हैं, किस तरफ की? दोबारा वोटा दे पता लगूगा जी, कि हवा चलती की प्रोग्राम, हवा किधर हवा का रुख किधर, क्योंकि हवा तो चल रही है पंजाब में, अब हवा तो झाड़ू वास्ते चलती रही जी बारी। अच्छा, हाँ, पूरे पंजाब में? हाँ पंजाब में, या सिर्फ फरीदकोट में? फरीदकोट में, पंजाब में। अच्छा, सबसे पहले क्या, अगर हम फरीदकोट की बात करें तो क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं, या कुछ बदली हैं, या आप बदलना चाह रहे हैं? जी बहुत चंगा काम तक इन्हें हो रहा, गन्ना नाला जिहड़ा सी वधिया बन गया जी, तो लॉक इट लगी जाती है जी, ठीक काम हो जाता है, सारे तो खुश होंगे ही नहीं जी। हाँ जी, सारे खुश होंगे नहीं जी, बिल्कुल। हाँ जी, इस करके तो कोई लोग कोई दस नहीं रहे भी सी, किधर है किधर है, कोई नहीं दसता बंदा। कह रहे हैं कि काम तो हो रहा है यहाँ पर, तो फिर लोग बदलाव की बात क्यों कर रहे हैं? सर काम कागजों में हो रहा है, वैसे ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है,
ये तो सरकारें जाते हुए पहले 5 साल में इधर कुछ भी नहीं हुआ है, अभी 1 साल में होने लगा है, नाला भी बन रहा है, सड़कें भी बन रही हैं, ये तो अपना वोट लेने के लिए कर रहे हैं। अच्छा। वैसे 5 साल में इधर कुछ भी नहीं हुआ है, जहाँ नशा है फरीदकोट में, जहाँ बेरोजगारी है, वैसे बदलाव बोल रहे हैं अभी बदलाव कुछ नहीं हुआ है, 1 साल में करने लगे हैं अभी, पहले 4 साल तो चुनाव नजदीक आ रहा था इसलिए काम शुरू हो गया। हाँ, इसीलिए शुरू हुआ सर। अच्छा। और आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, अभी ये कंप्लीट भी नहीं होएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा पड़ा। अच्छा। भाई दूसरी सरकारों को जो बदलाव होता है उनको प्रॉब्लम होएगा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। कैप्टन साहब की बात करें तो जब तक कैप्टन साहब थे तो उन्होंने नशे की बात कही थी, कई सारी इन्होंने गारंटी कार्ड भी दिया था, क्या वो सारी चीज़ें हो पाई? या अब अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें, अकाली या BSP, उनका क्या जोर है यहाँ पर? सर कैप्टन साहब को तो साफ बोलने का भी दिल नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने हमारे गुरु ग्रंथ साहब की सोगन खा के भी उन्होंने बोला था भी नशे बंद कर देंगे, वो 3 गुना ज़्यादा हो गया है, कम नहीं हुआ है। आजकल जिसको भी देख लो, जो नौजवान पीढ़ी है 80-85% पंजाब की नशे में जा रही है, ये सरकारों की वजह से जा रही है ना सर। सरकारों की वजह से बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो नशे में जा रहे हैं, रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पर? बिल्कुल बेरोजगार है जी सारी नवी पीढ़ी, ठीक है, कोई काम नहीं हैगा साढ़े को। और बाकी फरीदकोट शहर की बात करें तो आपकी गाड़ी आई है भी, आपको भी पता लग गया होगा कि कौन सी सड़क नमी बनी है और कौन सा काम हो रहा है, जिधर मर्जी कैमरा घुमा लो, कोई काम नहीं हुआ है इस शहर में। इसलिए लोग अब बदलाव चाहते हैं, नमी सरकार चाहते हैं, नवा उम्मीदवार चाहते हैं। जैसे बापूजी ने बोला कि पैसे के बिना काम नहीं होता, अगर बंदे में इरादा हो तो पैसे के बिना भी काम होता है, काम करने वाला चाहिए। ये तो पैसा खाते ज़्यादा हैं और काम घट करते हैं जी। दोनों पार्टियों पर कोई एक दूसरे पर आरोप लगाते तो क्या तीसरा विकल्प क्या है आप लोगों के लिए? तीसरा विकल्प तो आपके सामने ही है, जो सभी हमारा देश ही नहीं बल्कि सारा संसार देख रहा है, अभी वो दिल्ली का मॉडल देख रहा है, जो दिल्ली को मॉडल को सब फॉलो करना चाहते हैं। अभी भी चंडीगढ़ में म्यूनसिपल कमेटी के रुझान आए हैं, कहीं भी भाजपा को ऐसा लग नहीं रहा था हमको कोई ऐसी वहाँ पर मात दे सकता है। हाँ। पर वो लोगों ने आम आदमी पार्टी को ऐसे पूरा मान सत्कार दिया, उनको चाहते हैं, सभी पंजाबवासी दिल से चाहते हैं, इनके पास कोई और ढंग नहीं है, इनके बस काम ही है, आम आदमी पार्टी का काम ही है, जो काम करते हैं काम का दिखाते हैं। एक बात, जब से चंडीगढ़ चुनाव हुआ ये कहा जाने लगा कि जो शहरी वोटर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ अब बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा भारी संख्या में बढ़ रहा है, तो इसी रफ्तार से पंजाब में भी ऐसा बदलाव आने वाला है, बहुत नतीजे जड़े आम आदमी पार्टी की तरफ से होंगे तो बहुत पंजाब का भला होने वाला है। यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ जी यहीं रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कितना काम हुआ है विधानसभा में? मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा खास कुछ नहीं हुआ। और ये इस सरकार ये कह रही थी, चन्नी जी ने कहा कि बिजली माफ़ किया जाएगा, तो क्या आप लोगों का कोई बिजली का बिल जो है माफ़ हुआ या कुछ ऐसा हुआ? हाँ बिल तो माफ़ हुआ है। कितने, किस कौन से महीने? 15,000 रुपये। तो ये जो ऐलान के बाद माफ़ हुआ है? ऐलान के बाद ही हुआ है। हाँ, अच्छा, पहले नहीं। अच्छा, तो इस महीने भी बिल आ गया या इस महीने का भी? इस महीने बिल आया है। आया है, तो एक ही महीने का माफ़ हुआ? पिछला हुआ जो बकाया खड़ा था। अच्छा, वो हुआ, बाकी बिल आ रहे हैं? बाकी बिल आ रहा है। तो उन्होंने तो कहा था कि अब कभी बिल नहीं आएगा, किसी महीने नहीं आएगा, क्योंकि बिल तो आ रहा है। हाँ, अच्छा, ठीक है सर। तो, हाँ, एक नशे पर मैं बात करनी चाहता हूँ। जो बोले थे ना भी नशा पंजाब में खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होएगा। पहले तो मेडिकल स्टोर में मिलता सी, अब सेंटर खोल दे जो पंजाब सरकार में, वो भी नशे वाले आ, दो दो साल से वो जीभ वाली गोली खा रहे हैं, कोई काम नहीं करती। जो खेती होनी चाहिए है, खसखस की खेती होनी चाहिए है। आप पंजाब में जो जमीन भी है काम हो रही है, किसी के पास 2 किले, किसी के पास 3 किले है, सानू सरकार खेती की, खसखस की खेती की दे, रियायत देवे, तो नाले तो साढ़े सरकार आपकी आमदन वधे, नाले साड़ी आमदन वधे। इस करके मैं केजरीवाल को धन्यवाद करता भी खसखस की खेती होनी लाजमी होनी जरूरी है।
इस वक्त हम फरीदकोट के फौजी चौक पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ कुछ लोग हैं, इसमें एक्स आर्मी मैन भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फरीदकोट कितना पिछले 4 साल 5 साल में बदला है और क्या सोचते हैं यहाँ की जनता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी कृपाल सिंह है, मैं रिटायर सूबेदार हूँ। अच्छा कृपाल जी, हम फौजी चौक पर खड़े हैं तो इसलिए मेरा यही सवाल है कि कितना फरीदकोट में आप लोगों को कितना विकास दिखा है पिछले 5 साल में? सर ये 4.5 साल तक तो कोई विकास नहीं था, जो बारिश होती थी पूरी नलियां गालियां फुल हो जाती थी। ये अभी चार पाँच महीने से ये अभी ये खोद खुदाई शुरू कर दी है। अच्छा। ताकि ये विकास दिखाएं कि हम काम करते हैं, तो पहले तो कुछ नहीं हुआ जी, कालियों के में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस में भी कुछ नहीं हो रहा। हमने देखा कि फरीदकोट में हर जगह काम चल रहा है। ये सर ये लक्षण करके ही हो रहा होगा, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये हम काम कर रहे हैं। पूरा शहर की नालियां नूलियां पूरी गलियां गलियां इन्होंने उखाड़ दी हैं। आप अपना कैमरे से हर जगह देखिए, यही हाल है। अच्छा। लोग परेशान हैं, बारिश हो जाती है या एक्सीडेंट होते हैं। क्या स्थिति है इस वक्त, माहौल क्या है पंजाब का और फरीदकोट का, लोगों के मूड क्या है? बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। सबसे बड़ा मुद्दा तो नशे का ही है यहाँ पे, नशा शरेआम बिक रहा है यहाँ पे। दोनों सरकारें आ चुकी हैं लेकिन सिर्फ वादे करती हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कोई भी स्टेप नहीं है। हमको उम्मीद है कि केजरीवाल सर से उम्मीद है जो हमारे पंजाब का जो कर सकते हैं। दिल्ली में आपने देखा ही है। हाँ। बढ़िया काम किया उन्होंने, सब कुछ लेकिन किया। सवाल ये है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, इवन ऑल आम आदमी पार्टी ने भी नशे को मुद्दा नहीं बनाया और ना ही इस पर कोई ऐसे बयानबाजी हुई है। नहीं, पंजाब में आएंगे तो मुद्दा तो होगा ना, ये आपको खुद पता ही है पंजाब में नशे कितने हैं यहाँ पे, आपको ही पता ही है। और ये बना दे, सड़कें बना देंगे, ये कर देंगे, सरकार से वादा कर देती है, सिर्फ जब इलेक्शन के पास आते हैं तो ये मुद्दे उठा लेते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन काम 70 साल हो गए इनको राज करते हुए, एक भी काम नहीं हुआ हमारा तो। अच्छा सर कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, क्या फरीदकोट में काम नहीं हुआ? बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ, 4.5 साल तो ये सरकार सोती रही है। अब 4.5 साल के बाद पैसे फेंक रहे हैं, लगा रहे, विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। कोई लेवलिंग नहीं हो रही, जहाँ से भी पाइपें डाल रहे हैं इसकी कोई लेवल नहीं कर रहे, बल्कि वैसे ही उठा उठा के डाल रहे हैं कच्चे। एक सड़क के दो विधायक, क्या लगता है कि विधायक अब क्या, मतलब विधायक को लेकर क्या आप लोगों का मानना? विधायक का काम निल है, कोई जानदार काम नहीं है यहाँ पर। काम विधायक का काम जीरो है, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं किया उन्होंने, अभी 2-3 महीने में काम करने लगे हैं, नहीं तो इससे पहले कोई काम नहीं हुआ शहर का। अच्छा। सर का कहना है विकास नहीं और नशा बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है कि इसका समाधान क्या होगा, कैसे आप लोग इस चीज़ से उभर पाएंगे, कैसे जो युवा है वो इस चीज़ से उभर पाएगा? ये नशा बंद होगा तो उभर पाएंगे जी लोग। ये नशा नहीं बंद हो रहा जी, 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, 30 साल कालिया ने राज किया है, कोई विकास नहीं हुआ जी। ये नशा चल रहा है, नशे का मुद्दा ही है। तो फिर कैसे होगा, कैसे मतलब कैसे? ये केजरीवाल साहब आएंगे तो भी होगा ये नशा बंद। सब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी तभी कुछ हो सकता है, क्या लगता है कि आपको किसी आगी ताजी बंद हो सकता है? जे आम आदमी पार्टी आएगी तो बंद हो सकता है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो चीजें ठीक होंगी? ये हम देखते हैं अभी दिल्ली में जोड़ा काम हो ही जाता, असं ये देखते हैं इतने भी लानी चाहते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी में वोट पावे। क्या काम करते हैं? टीचर हूँ। टीचर हैं आप, तब तो आपसे सवाल ये बनता है कि स्कूलों की क्या स्थिति है इस वक्त? बहुत कमज़ोर स्थिति है स्कूलों की, जो दिल्ली में है स्कूल वो बहुत बढ़िया किस्म के स्कूल बन रहे हैं, केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया, पर पंजाब में ऐसा काम नहीं हो रहा। अच्छा। सरकारी स्कूलों का बहुत माड़ा हाल है, बहुत कमज़ोर स्थिति है, टीचर पढ़ा जो भी है, क्योंकि टीचर तो जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। ठीक है, उनको चाहिए था अभी सरकार उनकी मांगे पूरी करे और वो लोग जो हैं अपने अपने काम पे, बच्चों को पढ़ाने पे, शिक्षा देने में अपना समय गवाएं। ये बहुत मंदा हाल हो चुका है पंजाब का। लेकिन चन्नी साहब ने कहा कि 36,000 नौकरियां जो कच्चे थे उनको पक्के किया। चन्नी साहब का तो ऐसा हाल है भी, कैप्टन साहब के बाद जब से वो आए हैं ऐलान पे ऐलान करते जा रहे हैं, जो भी किया है हमें बताएं, हम खुद प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं। अच्छा। कहाँ मिली है नौकरी, अगर मिली है तो कोई बोले। ठीक। सर कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार चन्नी साहब जो है सिर्फ ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ दिख नहीं रहा है, कितनी सिर्फ ऐलान किए हैं इन्होंने,
और ऐलान ऐलान कर रहे हैं ताकि चोणा नेड़े है, उन्होंने देखा भी अब कैप्टन के हाथ में कुछ नहीं हैगा, कैप्टन को उतार दिया, अब गाड़ी वही है, इंजन चेंज कर दिया, इंजन आके ऐलान पे ऐलान कर रहा है भी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और वो तो ऊपर से ये कह रहे हैं कि मैं ये भी करा चला लेता हूँ, मैं वे भी कर लेता हूँ। आखिर मुख्यमंत्री का पद एक होता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, उसको कार्य करना चाहिए, जितने दिन मिले हैं 400 जितने भी दिन मिले हैं उस दिन में कुछ कार्य करना चाहिए ताकि उनको स्टेबल पद में पता लगे लोगों को भी, हाँ इनकी जो इन्होंने बाकी दिन सरकार सामी है तो इन्होंने ये कार्य कर दिए, बट कोई कार्य नहीं हो रहे। बिजली के बिल भी इन्होंने जो माफ़ किए वो अभी जो बिजली वाले हड़ताल पे हुए तो उन्होंने कि अभी हमने होल्ड किए हुए हैं भी बिल जड़े नवे इशू कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों का बकाया वो हमने होल्ड कर लिए हैं भी, वो पता नहीं भी वो माफ़ होएंगे कि नहीं होएंगे। तो कोई बिजली के रेट कम नहीं हुए, इस बार भी बिल भी उसी रेट पर आए हैं, तो जो भी उन्होंने ऐलान किया है वो एक निराधार। तो ये फरीदकोट की जनता थी जिन्होंने, पब्लिक जो है वो सब जानती है ये बात, यहाँ देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरह पिछले इतने सालों में जब काम नहीं हुआ फरीदकोट में, और अब इस तरह जब चुनाव नज़दीक आ रहा है और काम शुरू हो गया है, तो ऐसे में जो जनता है फरीदकोट की इस बात को समझ रही है कि ये सब चुनावी कार्य हैं, मतलब चुनाव के समय होने वाले काम है। अब जो वोट होगा वो क्या इस काम के जो आखिरी वक्त पर काम हो रहा है इसको देखकर किया जाएगा, या जो पिछले 5 सालों में फरीदकोट में काम हुआ उसको देखकर किया जाएगा। फरीदकोट से कैमरा पर्सन मिंटो सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।